देते हैं ये एग भुर्जी। एग भुर्जी कड़ी बनने वाली है आज, मसाला कड़ी, ये देखो। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? होप करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ और स्वागत करता हूँ आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो यार आप सबसे मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद में मैं हाजिर होता हूँ आपके सामने, बीच में गायब हो जाता हूँ। गायब कहाँ होता हूँ मैं, वो मैंने आपको बताया ही है क्या करना, गायब भी होना पड़ता है, बाकी चीज़ें करनी है तो फिर नहीं लगता है वीडियो बनाने के लिए टाइम। बीच में तो हर बार गायब होता हूँ लेकिन इस बार ही तो बहुत लंबा गैप हो गया है ना, तो चलो अभी क्या कर सकते हैं, माफ़ करना। मुझे पता है आप सबको इंतज़ार होता है मेरी वीडियो का। तो आज क्या है दोस्तों, आज काम पे छुट्टी थी तो इसलिए थोड़ा घर के कामों में लगा हुआ था मैं। तो अभी जो है आप लोग देखेंगे तो मेरे हाथ में ये जोड़ा और ये जैकेट। आजकल हमारे यहाँ पे सर्दियों का टाइम आ चुका है ना, तो ऐसे में हमें स्टॉक करना पड़ता है लकड़ियों का। जिनको नहीं पता आप उनको बता दूं, यहाँ हमारे यहाँ पे ना दिसंबर जनवरी फरवरी ये तीन मंथ क्या है बर्फ़ पड़ती है, तो कभी भी पड़ सकती है, दिसंबर में भी शुरू में भी पड़ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ें स्टॉक करते हैं। जिनको जो पहाड़ी एरिया से हैं उनको पता होगा है ना, जो जो ये चीज़ें करते हैं उनको तो पता ही होगा कि हाँ कैसे कैसे क्या करते हैं। जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, सारी चीज़ें हम लोग स्टॉक करते हैं, लकड़ियों का हो गया, खाने पीने का हो गया, हर कुछ एक चीज़। जिससे क्या है कि अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए ना और रोड रार ब्लॉक हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ें हम लोग स्टॉक कर रखते हैं। बर्फ पड़े चाहे ना पड़े लेकिन हम लोग जो है ना अपने पैर पक्के फंसा के चलते हैं। दिन भर बस ऐसे ऐसे काम चल रहे थे तो अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बनाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना। तो अभी क्या है, मैं लकड़ियाँ लेने आया हूँ, तो यहाँ जंगल भी है और जंगलों में नहीं जाऊँगा मैं लकड़ियाँ लेने, अपने खेत के पास में ही है। तरह की सूखी लकड़ियाँ ये देखो, जो कि पहले काट रखी हुई थी ना, तो अभी बिल्कुल सूख गई है। तो ये लेके जानी है मुझे इस जोड़े में बांध करके घर को। तो जो जो छोटी हैं जैसे ये बिल्कुल सही है जोड़े में लगाने के लिए, तो ऐसी ऐसी जो है कुछ नीचे पड़ी है तो इनको इकट्ठी करके ले जाऊँगा। जोड़ा बड़ी है, इनको जोड़े में बांधना मुश्किल होगा, ये देखो। तो इनको रहने देंगे, इनको बाद में ले जाएंगे कभी दराटी दुट्टी लेके आएंगे। तो अभी लकड़ियाँ जो है ना दोस्तों वो मैंने कर ली है, एक दो और ये तीन, इनको इकट्ठा बांध के लेके चलूँगा मैं घर। इनको ना अच्छे से बांध लेता हूँ, बाकी थोड़ी कम पड़ेगी तो और यहाँ पर है तो यहाँ से और निकाल लूँगा फिर। दोस्तों लकड़ियाँ मैंने सारी की सारी अभी जोड़े में बांध ली है, तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है? हम लोग तो इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं त्योड़ी, तो मैंने ये त्योड़ी लगा लिया है। इसको पीठ पे ले चलो चाहे सिर पे उठा लो, ये आपकी मर्जी है। वैसे पीठ पर ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा जैकेट लगाया हूँ। एक्स्ट्रा जैकेट इसलिए लाया हूँ ताकि ये जो है ना ये चीज़ें ये चुभे ना। चलो अभी देते हैं इसको पीठ और चलते हैं घर। दोस्तों लकड़ियों को पीठ पर उठा के अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि किस तरह से पीठ के ऊपर जो है ना इनको उठा के लेके जाते हैं। शायद कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, ये देखो ये आगे पीठ के ऊपर यहाँ है ये रस्सियाँ, तो ऐसे त्योड़ी को ना पीठ पे उठा के लेके जाते हैं। तो ऐसे जो है ना वेट ज़्यादा नहीं लगता इनका, अगर सर के ऊपर लेता ना फिर इनका ज़्यादा वेट लगता। A few moments later. तो अभी ना दोस्तों शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हैं हम लोग अपने किचन में। जो बारी है ना वो है रात का खाना बनाने की। आरती जी लगे हुए हैं तो लकड़ियों से आग जलाने में। आरती जी हेलो, कैसे हो जी? आज ये मानविक, मानविक क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो, कैसे हो? अच्छा ओके। ये इधर पहरेदारी पे बैठा हुआ है, इधर अंडे बॉईल करने के लिए डाल रखे ना, तो इसलिए अंडे इसकी फेवरेट है। फेवरेट है क्या है आपके अंडे? फेवरेट है ओके। तो आज के खाने में जो है ना दोस्तों वो बन रही है एग भुर्जी कड़ी। तो मैंने वीडियो देखी, मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं ऐसे यूनिक सी, तो देखते हैं कैसे बनती है। आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए वो बनती कैसे है, बस यूनिक सा स्टाइल है। ले क्या करेंगे ना भुर्जी बनाएंगे, उसके बाद में फिर उसको मसाला मसूला लगा के एकदम मस्त तरीके से बना देंगे। आप लोग देखिए इस वीडियो में कैसे कैसे बनाता हूँ मैं। दोस्तों आग जो है ना वो एकदम अभी अच्छे से जल चुकी है, इधर कढ़ाई को भी लेप लगा दिया है ताकि ये काली ना हो। जब भी ऐसे रखते हैं ना बर्तन तो इस तरह से लेप लगाते हैं मिट्टी का, जो ताकि बर्तन जो है ना बाद में अच्छे से धुल जाए। दोस्तों ये अंडे आ गए, सबसे पहले क्या करते हैं कि इनकी भुर्जी बना देते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। तो ये आ गए दोस्तों 5 अंडे, इसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स करते हैं और ये नमक थोड़ा सा, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ये नमक और थोड़े से ये देगी मिर्च। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको।
इसमें दोस्तों अच्छे से गर्म हो चुकी है, अभी तेल डालते हैं इसमें बुर्जी बनाने के लिए। तो तेल जो अभी अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें ये डाल देते हैं एग और बनाते हैं इसकी बुर्जी सिंपल सिंपल सी। दोस्तों भुर्जी जो है बनके रेडी है तो इसको उतार के रख देते हैं इधर साइड में, तब तक क्या करते हैं ना ये जो चीज़ें इनको काट लेते हैं। टमाटर है, ये अदरक आ गया, प्याज लहसुन और ये आ गई हरी मिर्च और लाल मिर्च। दोस्तों प्याज भी काट लिया है अभी, टमाटर भी इधर, ये भी छील लिए हैं, मिर्चियाँ भी काट लिया और ये अदरक। तो तेज कढ़ाई को फिर से इधर और अभी लगाते हैं तड़का। दोस्तों दोबारा से डालते हैं इसमें अभी तेल, थोड़ा सा ही डालेंगे ज़्यादा नहीं। तेल जो है दोस्तों अच्छे से गर्म हो चुका है तो अभी इसमें ये धनिया डाल देते हैं, आने लगी दोस्तों अभी इसमें ये प्याज डाल देते हैं। अभी हल्का फुल्का पक चुका है दोस्तों, अभी इसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं को करने के लिए। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा देखिए हमें अभी पकाना था ना दोस्तों, उतना पक चुका है तो अभी इसको थोड़ा उतार के यहाँ रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इस तरह का मलाई मसाला अभी तो बाफ आ रही है ना, तो कुछ भी दिख नहीं रहा अच्छे से। अभी जो है ना दोस्तों मेन कार्यवाही अब शुरू होती है इसकी, तो अभी भी ये गर्म है लेकिन कोई ना थोड़ा थोड़ा चलेगा। इसको अभी करेंगे हम लोग इस जार में ग्राइंड, मतलब मिक्सी में ग्राइंड करेंगे इस जार में डाल के। तो दही इसमें और डाला है मैंने अभी, ये देखो जी इस तरह का बन गया अभी पेस्ट इसका। तो फिर से रख दिए कढ़ाई, फिर से हल्का सा डालते हैं इसमें अब तेल जो है ना, इसमें लगाएंगे तड़का जीरे का। ये आ गया जीरा जो है ना, अच्छे से तड़क चुका है अभी, तो इसमें ये डाल देते हैं पेस्ट। जो है ना दोस्तों वो अभी अच्छे से पक चुका है, हल्का सा पानी डाल देते हैं। तो ग्रेवी जो है ना वो एकदम अच्छे से अभी रेडी है, ये देखो इस तरह का कुछ कलर आया ये, और खुशबू जो है ना वो तो भयानक आ रही है। तो अभी क्या करते हैं ना, देते हैं ये एग बुर्जी, एग बुर्जी कड़ी बनने वाली है आज, मसाला कड़ी। ये देखो ज़्यादा हम लोग ग्रेवी नहीं लगाने वाले हैं, तरी नहीं लगाने वाले हैं, मतलब तो ऐसे थिक थिक रहने देंगे ये तरी जो है इसकी। तो ये देखो अभी ये दोस्तों बन के रेडी है, ये इसको उतार के यहाँ रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं इसमें, थोड़ी देर ठंडा करने के बाद में दोस्तों देखो अभी कैसी लग रही है सब्जी, लग रही नहीं एकदम भयानक। ये देखो यार, तो इसके साथ में चपातियाँ होती ना फिर तो क्या ही मज़े आ जाते हैं। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं ना, शाम के टाइम पर चावल ही खाते हैं, तो चावल बनाए हैं इसके साथ में। ये देखो डालते हैं इसको थाली में, लग रही है एकदम पनीर भुर्जी की तरह। चलिए अभी क्या करते हैं ना, खाना शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि बनी कैसी है ये। ये देखो यार एकदम सूखी सूखी सब्जी बनाई है हमने एग भुर्जी की, और ये आ गई बाइट अपनी चावल के साथ में। देखो यार तो दोस्तों खाने में जो ये टेस्ट है इसका कैसा बना है पता है, अदरक का टेस्ट आ रहा है और मिर्चियाँ जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, इतनी ज़्यादा मिर्चियाँ हम खाते नहीं हैं तो हल्की सी ज़्यादा हुई है, ज़्यादा नहीं, बना एकदम लाजवाब है। ये देखो कैसा बना है बताओ आप टेस्ट करके। अच्छा है, मिर्ची ज़्यादा, मिर्चियाँ मुझे खुद ज़्यादा लगी, बाकी ठीक है ना। बहुत अच्छा।
कुछ सच बात बताऊँ ना, तो जैसे मैंने सोचा था कि ऐसे बनाऊँगा वैसी बनी ही नहीं है। मतलब वो ग्रेवी उस तरह से बनाने का सोच रहा था लेकिन वैसी बनी नहीं है। तो लेकिन जैसी बनी है ना अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कि कैसी बनी है ना।